नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं YouTube का टेक्नोलॉजी चैनल हिमैन टेक। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28 और 29 तारीख यानी 28 और 29 अक्टूबर 2023 को होने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में। तो मेरा जैसे कि पहले का पैटर्न रहा है, हर चंद्र ग्रहण, हर सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स के बारे में एग्जैक्ट टाइमिंग में बताते रहा हूँ। काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। तो उसी परंपरा को कंटिन्यू करते हुए आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं यूट्यूब का टेक्नो चैनल टेक केयर, सॉरी नाम चेंज हो चुका है हिमैन टेक। ओके, तो इसी तरह के साइंस टेक्नोलॉजी की बातें, वीडियोस, अनबॉक्सिंग को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर करके इस होने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में बताइए। देखिए ये चंद्र ग्रहण जो है ये इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जा रहा है क्योंकि ये शरद पूर्णिमा, शरद यानी शरद ऋतु यानी कि ठंडी की जो शुरुआत होती है, शरद महीना जो होता है, वे हिंदी भाषी वाले लोग समझेंगे इस चीज को, शरद ऋतु महाराष्ट्रीय लोग भी समझेंगे। तो शरद की जो पूर्णिमा होती है वो बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड सीजन होता है, विंटर सीजन होता है। तो इस पूर्णिमा को बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया है एक्चुअली अपने शास्त्रों में। रीज़न ये है कि हम लोग ना बहुत ही डिटेल प्रिसाइज कैलकुलेशन करते थे हर चीज़ों के बारे में, ये टेरेस्ट्रियल बॉडीज के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में, ज्योतिष के बारे में, हमारी परंपरा रही है ऋषि मुनियों की। तो इसीलिए हम लोग बहुत चीज़ों को बहुत प्रिसाइजली जानते हैं जो कि आज के इस मॉडर्न साइंस में, और हम जैसे जो एज ग्रुप वाले लोग हैं, यंग लोग जो हैं, ये लोग इस चीज़ को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि इनको ये समझ में नहीं आता है, समझ लो झेपता नहीं है, मराठी में झेपना बोलते हैं, इसको हजम नहीं हो पाता है, दे कैन नॉट टॉल मतलब डाइजेस्ट इट बिकॉज दे डोंट नो दैट। ओके, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती, इतना प्रिसाइज कैलकुलेशन नहीं है। तो चलिए ठीक है, मेन बात यह है कि कल जो है 28 तारीख अक्टूबर 2023 को चंद्रग्रहण होने वाला है और ये शरद पूर्णिमा की रात को होने वाला है। अपने भारत में काफ़ी जगह पे ये परंपरा है कि दूध से बने हुए पदार्थ या फिर दूध को गर्म करके चांद की रोशनी में रखते हैं, ठीक है, अपने अपने छत पे या व्हाटएवर जो भी चांद की रोशनी उसमें डायरेक्ट लग सके, दूध या दूध से बने हुए पदार्थ, कुछ भी चीज़ हो सकता है, खीर हो सकता है, वासंदी हो सकती है, सवैया हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो मेरा जो मानना है वो इसलिए कि दूध जो है ज़्यादा एब्जॉर्बेंट होता है, मैंने जैसे कि आयुर्वेद वगैरह भी पढ़ा है तो उसमें ये ज़्यादा एब्जॉर्बेंट है, और इसमें क्या होता है कि ये सरफेस टेंशन बहुत हाई होता है दूध का, मे बी ये रीज़न हो सकता है कि दूध को इन्होंने यूज किया एब्जॉर्ब करने के लिए। अब पता नहीं क्या एब्जॉर्ब करता है, डोंट नो, बट ऐसा माना जाता है कि इस रात को जो चांद की रोशनी में रखा जाता है दूध से बना हुआ कोई भी पदार्थ या फिर दूध को, उसमें अमृत का वास हो जाता है। अमृत मतलब अब क्या बोलूँ मैं, समझ में नहीं आता मुझे कि मैं क्या बोलूँ, आप समझ लो, अमृत का वास होता है जैसे कि आपकी उम्र बढ़ती है, लॉन्गेविटी बढ़ती है वगैरह वगैरह होता है, ठीक है। तो इसी दिन एग्जैक्टली चंद्रग्रहण होने वाला है, इसलिए काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। चलिए अपन टेक्निकल बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो चंद्रग्रहण का जो टाइमिंग है वो मैं आपको बताता हूँ, स्टार्ट का, ठीक है, एंड का सब कुछ बताता हूँ। तो देखिए जो सबसे पहला जो चंद्रग्रहण का जो स्टार्ट टाइम होने वाला है 11:31 पे, यानी कि ये स्टार्ट यानी कि जस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ये चांद है और ग्रहण स्टार्ट हो जाएगा, टच हो जाएगा, ठीक है। ये टाइम है 28 तारीख की रात को 11:31 पे, ठीक है। और जो फुल चंद्र ग्रहण लगने वाला है ये भारत में दिखने वाला है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। और ये जो फुल चंद्र ग्रहण जो है, चंद्र ग्रहण कब होता है, जब चांद और सूरज के बीच में हमारी धरती आ जाती है, ठीक है, ये चंद्र ग्रहण होता है, चांद सूरज बीच में हम, ठीक है, बीच में से आके टपक पड़े। तो ये जो है अभी समझ लो बात को, स्टार्ट जो है 11:31 को है 11:30 समझ लो, यार इतने प्रिसाइज जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा एक दो मिनट पहले हम समझ लेंगे तो क्या बिगड़ने वाला है। 11:30 समझ लो, 31 मिनट है बट 11:30
को ये चंद्रग्रहण स्टार्ट होने वाला है, और जो पूरी तरह से जो चंद्रग्रहण हो जाने वाला है मतलब एग्जैक्ट, वो जो है 1:05 रात को, यानी कि ये 29 तारीख यानी 29 अक्टूबर हो जाने वाला है। ठीक है, 28 के बाद 12 बजे के बाद 29 तारीख हो जाएगी, 29 हो जाएगा, यानी कि 29 को 1:05 पे ये पूरी तरह से लग जाने वाला है। और जो उतरने का टाइम है यानी खत्म जो हो जाएगा वो टाइम है 2:24 पे। ठीक है, ये टोटल जो है 1 घंटा 19 मिनट 20 मिनट रहने वाला है, यानी कि अगर आप एग्जैक्ट चंद्रग्रहण की बात करोगे तो 1:05 से लेकर के 2:24 तक है, बट स्टार्ट का ही हम पकड़ेंगे 11:30 समझ लो। ठीक है, ये चीज़ें होने वाली है, तो ये आपको समझ में आ गया, नोट डाउन कर लो, अपने दोस्तों को सबको शेयर करो, फैमिली को शेयर करो ये वीडियो, ताकि उनको एग्जैक्ट टाइम पता चल सके। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, 11:30 पे स्टार्ट होने वाला है, जो फुल जो है 1:05 यानी 29 तारीख को। ठीक है, 28 को स्टार्ट हो जाएगा, टच हो जाएगा। ठीक है, और 29 तारीख 1:05 को पूरी तरह से लग जाएगा, 2:24 को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटा 19 मिनट तक रहने वाला है, तो इस दौरान आप दूध वगैरह मत रखिए जनरली। ठीक है, मेरा ये मानना है, बट मैं जैसा हमारे यहाँ जो कस्टम है महाराष्ट्र में वो ये है कि दूध तो रखेंगे हम, मैं पर्सनली मेरी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एब्जॉर्बमेंट वगैरह सब मुझे समझ में आता है। अभी यहाँ पे एक और बात होता है कि ये जो है सूतक, हमने सूतक हिंदू धर्मों में या ज्योतिष में सूतक की परंपरा, सूतक मतलब क्या होता है, हम लोग बहुत ही प्रिसाइज कैलकुलेशन करने के कारण क्या होता है कि हम लोग बहुत ही डिटेल में जाते हैं, यानी सेकेंड्स के हजारवें भाग तक हम लोग कैलकुलेशन करते थे पहले। तो जनरली रूल क्या है कि चंद्रग्रहण के 9 घंटा पहले सूतक स्टार्ट हो जाता है, यानी चीज़ें धीरे धीरे स्टॉप करनी है आपको, करने की जो पवित्र चीज़ें हैं शुभ चीज़ें हैं वो करनी स्टॉप कर देनी है, पवित्र वाली चीज़ें पूजा पाठ वगैरह ये सब चीज़ें हो गई, आरती दिखाना, अगरबत्ती जलाना, ये सब चीज़ें आपको बंद कर देनी है। तो ये 9 घंटा पहले होता है, वो जो टाइम है ठीक है वो है 4:12, यानी शाम को 28 तारीख को 4:12 के बाद आपको ये सब पवित्र वाली चीज़ें अच्छी शुभ चीज़ें करनी बंद कर देनी है। ये प्रिसाइज कैलकुलेशन हो गया, बट अपन रफ कैलकुलेशन पकड़ के चलेंगे। देखो भाई, मेरे घर की पर्सनली बात कर रहा हूँ, इतना हैंडल नहीं हो पाएगा, तो अपन लोग खीर वगैरह सब कुछ बनाएंगे, दूध वाली चीज़ें बनाएंगे, सब कुछ ठीक है, बट जैसा कि 11 बजे स्टार्ट होने वाला है 11:30 को, तो अपन लोग है ना 9-10 बजे तक खा पी के ख़त्म कर देंगे। ठीक है, काफ़ी लोग जो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में अगर मानते हैं, तो मैं तो कहूँगा सूतक काल में बनाओ अभी मत, समझ रहे हो, आप 4 बजे से पहले बना लो, उसमें तुलसी का पत्ता जो तुड़स होता है, तुलसी बोलते हैं मराठी में, तो उसके पत्ते जरूर डालो, क्योंकि वो ओजोन के लेयर्स क्रिएट करता है जिसमें बैक्टीरिया वायरसेस उससे मरते हैं, इसीलिए हम लोग हर पूजा पाठ में तुलसी के पत्ते यूज करते हैं, वो भी रीज़न है। तो ठीक है, तो मैं तो 9-9:30 तक सब कुछ खा पी के ख़त्म कर देने वाला हूँ। ओके, 11:30 चंद्रग्रहण लगने का इंतज़ार नहीं करने वाला हूँ। कुछ लोग जो है, काफ़ी लोग जब चंद्रग्रहण ख़त्म होगा यानी कि 2:30 रात को, उसके बाद रखेंगे, इस तरह की बात है, बट इतना हैक्टिक क्यों बनाना है किसी चीज़ को। ठीक है, तो समझ गए आप लोग, तो ये थी ऊपर की बातें, नॉर्मल बातें। तो इसमें मैं दोनों चीज़ों को कवर किया हूँ, मैं टेक्निकल एस्पेक्ट जो है साइंटिफिक है वो भी कवर किया हूँ मैं, और जो है ये जो ज्योतिष वाली चीज़ें वो भी कवर किया हूँ। तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और बताइए कि ऐसा ऐसा है, इसकी टाइमिंग बताइए। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह के साइंसोलॉजी की बातें, वीडियोस, अनबॉक्सिंग हम इस चैनल के ऊपर करते हैं ह्यूमन टेक के ऊपर। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नए साइंसोलॉजी के वीडियो में, अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय